Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मानव के टूटे दिल को, दुखी दिल को वैभव कपूर ने दिया दिलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये चमत्कार हमने इस कड़ी में देखा, जो आज हमने कड़ी देखी ये चमत्कार ही था, जहाँ पे वैभव कपूर कभी भी मानव के लिए ना तो कुछ अच्छा करता दिखता है ना ही कुछ अच्छा बोलता दिखता है। वहां पे वैभव जो है मानव के कंधे पे हाथ रख के उसको दिलासा दे रहा है ना चमत्कार। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इससे जो कार्यक्रम हुआ है वैभव कपूर का, मानव के कंधे पे हाथ रखने वाला, इसको दो एंगल से देखते हैं, मगर मैं किस एंगल को ज्यादा एम्फोसाइज करूंगी वो मैं आपको जरूर एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी। तो एक तो ये है कि वैभव कपूर जो है अब देख रहा है कि मानव बहुत ज्यादा परेशान है यत्तू को लेकर, और उसने ऑलमोस्ट मान लिया है कि जो सामने डेड बॉडी है वो यत्तू की ही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान और रो रहा है। वहां पे वैभव कपूर आके सांत्वना देता है ताकि उसको ये पता चले कि ये गाड़ी वो नहीं है जिसमें यत्तू और आकांक्षा थे, और ड्रामा ज्यादा ना करे मानव ताकि पुलिस इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित ना हो। ये हो गया वैभव कपूर का वो करेक्टर जो हम देखते आ रहे हैं। मगर जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ वो ये है कि हर एक जो नेगेटिव होता है उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव होता जरूर है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो अंदर होता है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो पॉजिटिव जो थोड़ा अंदर होता है वो ज्यादा बन के बाहर निकलता है। जब वैभव कपूर और मानव एक ही जगह पे खड़े थे, वहां पे वैभव कपूर को ये था कि कहीं आकांक्षा को तो कुछ नहीं हो गया, कहीं आकांक्षा तो नहीं मर गई, और इधर वैभव कपूर के साथ साथ जो अपने मानव है उनके दिल में दक दक हो रहा था कि मेरा यत्तू यहाँ पे ना हो, क्योंकि वो बार बार ड्रीम्स में अपने ख्यालों में देख रहे थे कि कैसे यत्तू और उनकी आपस में बॉन्डिंग थी और कैसे उन्होंने यत्तू को प्रॉमिस किया था कि डैडा हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो वो सारा ट्रॉमा उनके दिमाग में चल रहा था, उस ट्रॉमा की वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पे वैभव कपूर अपनी जरूरत तो समझ ही रहे थे, मगर साथ में उन्होंने उनकी जो पॉजिटिव अंदर, हर विलन के अंदर भी एक हीरो होता है दोस्तों, मैं ये मान के चलती हूँ, वो जो अंदर का जो अच्छाई थी वो थोड़े टाइम के लिए जागी जरूर, जब उन्होंने देखा कि मानव एक तरह से टूट ही गया है, अब उसके पास कुछ नहीं है। अगर यत्तू को वो ये मान के चल रहा है कि वो सामने है एक डेड बॉडी के तरीके में या तौर पे, तो इसीलिए वो वहां पे उनके पास गए, क्योंकि ये वैभव कपूर ही जानते थे कि जो गाड़ी सामने पड़ी है एक्सीडेंट वाली वो उनकी गाड़ी नहीं है, उसमें आकांक्षा और यत्तू नहीं थे। इसलिए वो फटाफट मानव के पास गए, उसके कंधे पे हाथ रखा, थपथपाया और ये गुड न्यूज दी कि ये गाड़ी अपनी नहीं है। ये है अच्छाई वाली बात, इसी को मैं मान के चलती हूँ कि क्या पता धीरे धीरे वैभव कपूर की ये छोटी सी अच्छाई की जो झलक हमने देखी है इस कैरेक्टर में वो आगे और दिखाई दे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो नेगेटिव बनाता है इंसान को, लालच हो या कुछ भी हो। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.